हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल सूर मंदिर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपको आज फ्री चैनल की डिश अगर आप लेने वाले हैं तो मैं उसकी बढ़िया जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं जो चैनल में माहिती देने वाला हूँ वो और जो चैनलें देती है माहिती वो बिल्कुल बकवास देती है। मैंने देख लिया है कुछ साहिल करके, कुछ को ऐसा ऐसा करके कुछ बहुत सारी डिश की चैनल है यहाँ पे निकली है जो आपको गलत गलत इन्फॉर्मेशन देती है, और कौन सा माल खरीदने का वो आपको पता नहीं क्या क्या बता देते रहते हैं। तो मैं आज को सही जानकारी देने वाला हूँ कि कौन सा माल खरीदना चाहिए जिससे आपको बेनिफिट रहेगा, और आपको आगे भी चल के कितने साल चलने वाला वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने अगर पहले तो मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो कर लीजिए। इसके बाद भी जो वीडियो लाने वाले वो भी बेहतरीन वीडियो है जो आपको काम आपके बिजनेस में भी काम लगेगा, और आप अगर फैमिली में है तो फैमिली में भी आपको काम लगेगा। तो मित्रों स्टार्ट करते हैं। पहले फ्री वाली डिश अगर आपको लेनी है तो कौन सी लेनी चाहिए, कौन सा माल लेना चाहिए, कैसा माल लेना चाहिए, कौन सा सेटअप बॉक्स अच्छा है, कौन सा LMB अच्छा है, वो बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो देख लीजिए दोस्तों, मैं पहला नंबर दूंगा। अगर आप फ्री वाली डिश लेना चाहते हैं तो पहले तो देखिए कि कोई भी दुकान पे जाते हैं तो आप पहले बोलिए कि भाई हो सकता है तो मेरे को अच्छा पतरा, मतलब कि अच्छा स्ट्रक्चर दीजिए। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो ये डिश टीवी का स्ट्रक्चर है मेरे साथ। ऐसे आप कोई भी कंपनी का स्ट्रक्चर, कंपनी का मतलब कि पेड चैनल वाला आप स्ट्रक्चर ले सकते हैं तो बेहतरीन क्वालिटी का रहता है, जैसे कि टाटा स्काई, वीडियोकॉन, एयरटेल और डिश टीवी। वीडियोकॉन ने अभी थोड़ा स्ट्रक्चर बेहतरीन नहीं बनाया, तो मैं तो बोलता हूँ आपको मिलता है तो डिश टीवी का स्ट्रक्चर ही लीजिए। मैं तो बोलता हूँ डिश टीवी का ही लीजिए। तो डिश टीवी का क्या है, डिश टीवी का लेने के बाद आपको 2-3 और भी फायदे होने वाले। तो डिश टीवी का पूरा माल लेंगे तो आपको इच्छा हुई कि भाई अभी मेरे को पैसे भरने वाला बॉक्स भी लगाना है तो आपको माल चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो बात बड़ी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डिश टीवी का स्ट्रक्चर लीजिए। तो आपको डिश टीवी का अगर सेटअप बॉक्स लगाना हो तो फ्री 2H और डिश टीवी की दोनों की दिशा एक ही है दोस्तों, तो आप उसका भी मज़ा ले सकते हो भाई। अगर अभी कंपनी ने जिंक डिजिटल करके भी नया बॉक्स निकाला है तो इसलिए आप, तो मैं तो बोलता हूँ डिश टीवी का ही सामान लीजिए। डिश टीवी का सामान लेने से क्या है कि दोस्तों उसका स्ट्रक्चर 12 से 15 साल चलने वाला है। दूसरी बात यह है कि अभी सेटअप बॉक्स फ्री वाला लेना है तो कौन सा लीजिए, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे सेटअप बॉक्स पड़े हैं। यूनिटेक कंपनी का है, सिटी लाइन कंपनी का है, प्रोमेक्स कंपनी का है, और ये विटॉन कंपनी का है, बहुत सारे है, और बहुत सारे आते रहते हैं जाते रहते हैं बॉक्स कंपनी ना जाने कौन कौन से, पर यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ यूनिटेक कंपनी का माल। यूनिटेक कंपनी का माल इसीलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों कि यूनिटेक कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर जो SMPS है वो SMPS बड़ा यूज़ करती है, जो पावर सप्लाई आता है वो जल्दी बिगड़ता नहीं, तो इसके बारे में आपको माहिती देता था। इस तरह का रहता है उसका यूनिटेक कंपनी का सेटअप बॉक्स, देख लीजिए दोस्तों इस तरह का रहता है। आपको इसको पन्नी खोल के भी दिखा देता हूँ मैं, जिससे आपको इसका लुक पूरा पता चल जाए। अगर स्ट्रक्चर लेते हो तो डिश टीवी का लीजिए, तो सेटअप बॉक्स लेते हो तो हो सकता है कहीं पे भी मिलता है तो यूनिटेक कंपनी का पहले लीजिए। ये कंपनी का है क्या है कि आपको बरसों तक चलने वाला है, उसके साथ आपको रिमोट भी बड़ा आने वाला है देख लीजिए दोस्तों, और साथ में इसका 3 पिन का केबल वो भी अच्छा आता है, तो आपको कोई और ख़रीदना नहीं पड़ेगा। इसकी जानकारी मैं दे देता हूँ, यहाँ पर जो पावर सप्लाई आता है वो पावर सप्लाई बढ़िया क्वालिटी का बनाता है कंपनी, और साथ में कार्ड ऐसा आता है उसका जो ये पीछे की पिनों वाला दिख रहा है वो भी बड़ी IC वाला बनाता है मित्रों। तो आप इसकी क्वालिटी के बारे में कोई टेंशन मत लीजिए, और यूनिटेक कंपनी का मिलता है तो पहले यूनिटेक कंपनी को ही पसंद कीजिए, बाद में अगर कोई फिजूल की चीज़ हाथ में आ जाती है तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर जगह ये मिलेगा नहीं। अगर आप बोड़ेली के आसपास रहते हैं तो मित्रों सूर मंदिर इलेक्ट्रॉनिक्स करके दुकान है मेरी, आप वहाँ पर आएँगे तो यही माल दूँगा मैं, क्योंकि मित्रों मुझे क्या है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा नहीं लगता। तो आप लेना चाहते हो तो मेरी दुकान पे आएंगे तो मैं डिश टीवी का ही सामान दूंगा, जिससे आपको आगे चल के पैसे भरने वाली अगर डिश लगानी हो तो लगा सकते हो, और हर तरह का काम अच्छे से होगा उसमें, उसके सिग्नल क्वालिटी भी अच्छी आएगी, और साथ में माल कैसा है उसमें LMB के बारे में बता देता हूँ मैं। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास बहुत सारी LMB पड़ी है देख लीजिए,
बहुत सारी मतलब कि 5-6 कंपनी की LMB लेके मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो अभी कौन सी कंपनी की LMB अच्छी रहेगी? तो मैं तो बोलता हूँ दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए डिश टीवी का ही माल ले लीजिए। फिर भी अगर रीडिंग की बात करें तो ये नंबर वन पे आता है, अगर दूसरे नंबर पे डालना चाहते हो तो टाटा स्काई का LMB आता है, तीसरे नंबर पे डालना चाहते हो तो दोस्तों ये पावर ऑन का भी LMB है और एयरटेल का भी LMB है, पावर ऑन कंपनी भी अच्छा LMB बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई LMB की बात। अभी मैं बात कर लेता हूँ कारीगर की, बात कर रहा हूँ क्या आपके आपके जो स्ट्रक्चर लगाने के लिए जो अगर कारीगर जो आता है तो दोस्तों डिश टीवी का स्ट्रक्चर 90° के डिग्री पे और एकदम उड़म्बे पे लगाना चाहिए। गुजराती भाषा समझते हो तो समझो कि एकदम क्लियर और खड़े खड़ा डंडा लगाना चाहिए, बिल्कुल इधर तिरछा विरछा नहीं लगाना चाहिए, वो देख के आप लगाए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगले वीडियो में मैं ये भी माहिती दे दूँगा, अभी इसके लिए बस इतना बहुत है। अभी आप लेने जाए डिश टीवी, अगर माल लेने जाए तो डिश टीवी का ही माल चॉइस कीजिए, और ये बॉक्स मिलता है यूनिटेक का तो यूनिटेक का लीजिए, कंपनी का LMB लीजिए, बस इतना बहुत है आज के लिए। अगले वीडियो में मैं सब बता दूंगा। जय हिंद।